शिवानी से बात कैसे करूं? बड़े ताऊ से डिसाइड तो कर लिया कि मैं उससे बात करूंगा, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। शिवानी, मुझे परेशान मत करो त्रिशूल। शिवानी, मेरा उद्देश्य तुम्हें परेशान करना नहीं है। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की है, इसका मतलब तुम्हें जबरदस्ती पाना है ये मेरा उद्देश्य नहीं है। वहां पंडित जी ये सब बातें कहकर चले गए और यहां चुपचाप यहां से चले जाओ। शिवानी प्लीज, मुझे मेरी बात कहने का मौका दो। बात करने के सारे मौके तुमने गवा दिए हैं। शिवानी, मेरे लिए ना सही तो घर वालों के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ ये सोचकर तुम पर हुक्म चलाने नहीं आया। मैं बस पंडित जी ने जो बात कही उससे चिंतित होकर तुमसे बात करने आया हूँ। ये एक पर्सनल मैटर है, एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया है, मुझे अब कुछ नहीं सोचना और ना ही मुझे कुछ सुनना है। तुम यहाँ से जाओ त्रिशूल। लेकिन शिवानी, त्रिशूल यहाँ से जाओ। माया, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। शिवानी इसके लिए कभी नहीं माननी चाहिए। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। वो दोनों एक कभी नहीं हो सकते। शिवानी के दिल में ऐसा ख्याल किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए। ईश्वर, ये सब क्या है? जैसे ही मैं यहाँ आई तो सारे जलते हुए दीप बुझ क्यों गए? कैसे मैं अपना नसीब समझूं? अब तो आप बहुत खुश हो गए होंगे ना, मुझे इस विकट परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। क्या इसीलिए आपने मुझे उस घर में जाने का आदेश दिया था? बताइए महादेव, मुझे जवाब दीजिए। ये शादी मुझे स्वीकार नहीं है, फिर भी आपने मुझे तोड़ने से मना किया। वासुकी देव के जरिए आपने मुझसे कहा, ना चाहते हुए भी आपके कहने पर मैं उस घर में भी गई। आपने जैसा कहा मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। ये कैसे संभव है प्रभु? मैंने आदिशेष से पूरे मन से प्यार किया है, मैं शादी भी उससे ही करने वाली थी, लेकिन बीच में त्रिशूल ने आकर सब बिगाड़ दिया। पसंद ना होते हुए भी मैं उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? बताइए, अगर मैंने एक होने से मना कर दिया तो शायद घर में भूचाल आ जाएगा। सब कह रहे हैं कि शायद किसी की मौत भी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो मेरी वजह से होगा, वो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। और उस इल्जाम के डर से ही मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस घर में मेरी वजह से किसी का भी बुरा हो। आपने मुझे जो समझा कर उस घर में भेजा था, मैंने सोचा है कि अब मैं उसी रास्ते पर चलूंगी, लेकिन वो सही है या गलत मैं नहीं जानती भगवान। अब आपको ही मुझे जवाब देना होगा। आपके सामने ये बुझे हुए दीप है ना, अगर मेरा निर्णय सही है तो ये दीप वापस जल जाएंगे, और अगर गलत है तो ये बुझे ही रहेंगे। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, तब तो इन दीपों का जलना असंभव है। महादेव, ये
ये दीप तो जलने लगे, इसका मतलब मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है, मैंने बिल्कुल सही रास्ता चुना है ना भगवान। मेरे लिए इतना ही काफी है प्रभु, मेरे लिए इतना ही काफी है। भाभी आप कहाँ चली गई थी, आपको हर जगह ढूंढा पर आप कहीं मिली ही नहीं। जानते हम सब कितने वर्ड थे, आप कहीं बाहर गई थी क्या? रीना वो अपने किसी काम से गई होगी, तुम उससे ये क्यों पूछ रही हो? शिवानी ये तो अभी बच्ची है, बुरा मत मानना। हाँ शिवानी आपके मन में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानती हूँ दादी, आपको रस्म की चिंता हो रही है ना? ऐसा नहीं है शिवानी, पंडित जी वो दादी मैं इस रस्म के लिए तैयार हूँ। शिवानी तुम सच कह रही हो ना? क्यों दादी आपको विश्वास नहीं? नहीं बेटा, मैं इसी बात को लेकर उस भगवान के सामने जाप कर रही थी, इतने में तुम आकर इस बात के लिए हाँ कह दी। उस भगवान ने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, ये बात सोचकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। जी दादी ये उस भगवान की ही इच्छा है, अब मुझे आगे क्या करना है इसका निर्णय भी मैंने ले लिया है। शिवानी पहले अपना मुंह मीठा कर लो। गोविंद तुम अब यहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी से तैयारियां शुरू करो। तनीषा ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी दीदी। अब ये मामा क्यों फोन कर रहे हैं? कहिए मामा। मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी मामी, मामा नहीं। जानते हो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? ये पूछने के लिए कि तुम अभी कहाँ हो। मामी मैं किसी काम से बाहर हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? घर में शुभ कार्य है और तुम बाहर घूम रहे हो। What? शुभ कार्य? अरे ऐसे अनजान क्यों बन रहे हो तुम, जब स्वामी जी घर आए थे तो तुम यही थे ना। शिवानी त्रिशूल की सुहाग रात है आज,